हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। एक्चुअली मैं अभी 6:30 बज गया सुबह का। मैं तो पहले ही गया था बट थोड़ा सा लेट हो गया, तो अब सबसे पहले उठाऊँ तो ब्रश करूँगा, उसके बाद मेरा सुबह चाय के साथ प्लस सबसे पहले चना के साथ होती है। तो आज हम काफ़ी बनाने वाले हैं। चाय तो बनाते थे लेकिन पीते नहीं थे। क्या है, गर्मी पड़ने लगी है, चाय थोड़ा अच्छी नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा चाय को चेंज करके कॉफ़ी बनाने लगे हैं। कॉफ़ी पीने की अब आदत पड़ गई है। तो सबसे पहले मैं ब्रश करूँगा, देन उसके बाद चने के साथ अपने दिन की शुरुआत करूंगा। फिर एक्चुअली करने के बाद थोड़ा सा कॉफी बनाने वाला हूं मैं। देखिए अभी हमारे से सो रहे हैं, जिस समय देखो ऐसे सो रहे हैं जैसे कि लगता है कि कबड्डी खेल रहे हैं। देखिए अभी ये मेरा छोटा से जल्दी जग जाएगा, बड़ा से क्या संडे है, स्कूल ऑफ है, इस वजह से वो 10 बजे तक सोएगा। और ये मेरा छोटा सेर जो है, देखिए कैसे आराम से सो रहा है, बिस्तर की देखिए क्या हुए, जैसे लगता है ये कबड्डी खेल रहे हैं। यहाँ पे इतना बड़ा सा बिस्तर सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए होता है। दोस्तों हमने ब्रश कर लिया है, अब आते हैं कॉफी बनाने में। अब कॉफी बनाने के बाद भीगा हुआ चना खाएंगे, उसके बाद फिर दुकान जाने की तैयारी करेंगे। आज आप लोगों को हम अपनी दुकान दिखाएंगे। आज क्या संडे है इसलिए थोड़ा सा लेट जाऊंगा, मैं 7 बजे तक जाऊंगा। मुझे गाड़ी भी धुलनी थी लेकिन फिलहाल अभी कॉफी पीना है, चना खाना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करता हूँ, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है शोल्डर में, इस वजह से एक्सरसाइज करना बंद कर दिया हमने अभी फिलहाल। और धूप भी बहुत ज़्यादा आ गई है, आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप आ गई है। और ये है मेरी हेलीकॉप्टर जिसको आज धोना है, काफ़ी दिनों से धुल नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिलता। तो कॉफी बना, कॉफी बना एक्चुअली दोस्तों यार हमें तो चाय बनानी आती है और पोहा बना सकता हूँ, दाल चावल बना सकता हूँ, सिर्फ रोटी गूंथने में बहुत मेहनत पड़ती है। रोटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जो कि मेरे लिए युद्ध लड़ने जैसा है। वो आटा गूंथना मतलब फ्रिज हमने नहीं बनती यार, पर शाम को बंद होगी ना जब लाइट नहीं थी, तो कौन बंद करता है नहीं पता। तो बताया ना कि मुझे आटा गूंथना बिल्कुल एकदम युद्ध लड़ने के समान है। क्या जब आटा गूंथो जो हाथ में चिपकता वो अच्छा नहीं लगता, और आटा इकट्ठा भी नहीं होता कि इसकी रोटी बना सके। तो इस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आटा गूंथने में ही जाती है, बाकी मुझे खाने का शौक कुमड़ा की सब्जी हो गई, पूरी हो गया, या पार्टी में पनीर हो गया, पूरी हो गया, इससे ज़्यादा मुझे कहीं चाहता नहीं। तो
मेरा चना आ चुका है, उसमें नमक मिर्ची थोड़ा सा नींबू, खाने का मजा ये लगा था सुबह सुबह खाने पे, बहुत अच्छा रहता है। तो अब काफी पिए और दुकान के लिए प्रस्थान किया जाए। हो सकता है कि आज मुझे पार्टी में भी जाना पड़े, निमंत्रण आया हुआ है एक पड़ोस से ही, तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि निमंत्रण में किस टाइम जाऊं। डिब्बा भर के निमंत्रण कर दिया क्योंकि अब तो शाम को जाएंगे, किस टाइम जाएंगे ये थोड़ा सोच रहा हूँ कि कितने बजे तक जाना ठीक रहेगा। क्या है कि दुकान मेरी 9 बजे क्लोज होती है और निमंत्रण में ऐसा लगता है मुझे कि 8 बजे तक पहुँच जाना ही बेटर रहेगा। तो वही सोच रहा हूँ, फिलहाल देखूंगा। इस सीजन का पहला निमंत्रण किसी पड़ोस में, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मुझे घर में ना चड्ढा में रहना बहुत पसंद है, लोवर तो मैं पहनता ही नहीं, लेकिन इस समय पहनना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि धूप बहुत ज्यादा होती है। साढ़े 6 बजे के बाद धूप कितनी तेज हो जाती है आप देख ही सकते हैं। उस समय चना खा रहा हूँ जो कि मेरी आदत है, उठने के बाद सबसे पहले ब्रश करता हूँ, उसके बाद चना खाता हूँ, फिर आगे का कोई काम करता हूँ। एक्चुअली मैं आज बनने वाला था, पोहा बनता, भजिया बनता या कुछ सारी चीजें बनती, बट उनमें जो आइटम लगते हैं वो मुझे लाना भूल गया। पोहा एक्चुअली मुझे बोला गया था घर से कि लाना, लेकिन मुझे भूल गया। शाम को दुकान में 3-4 दोस्त आके बैठ गए तो हो गया, जब सड़कन सब भूल गया, जिस वजह से आज लगता है कि सिर्फ वापस से ही काम चलाना पड़ेगा। तो वेट करना पड़ेगा 10 बजे तक मुझे ब्रेकफास्ट के लिए, फिलहाल तो वापस से ही काम चलाना पड़ेगा। अच्छा यार, अभी तो बहुत सारा दूध था इसमें गंजे में, लेकिन वो जो दो शेर सो रहे हैं उनके हिस्से का निकल गया है। अब मेरे हिस्से में देखिए कितना सारा आया है, वो देखिए, एक लगता है मेरा शेर जग भी गया है, आवाज कर रहा है। अच्छा हाँ यार, लाइट बंद कर दो यार, इसलिए जग गया होगा। तो ये देखिए बार बार दूध को एक कप से दूसरे कप में डाला जाता है और उसकी मेजरमेंट की जाती है कि दूध ज्यादा ना हो जाए और पानी भी बराबर मात्रा में ही जाए। तो ये नाप तौल का काम पूरा हो गया है, अब देखते हैं काफी बनने में कितना टाइम लगता है। ओह
एक दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच इसमें शक्कर डाली गई। ये दो या तीन लोगों के हिसाब से बन रही है कॉफी। एक्चुअली में हम घर में हम दो, हमारे दो टोटल इतने ही लोग हैं, तो ये उनके हिसाब से है। बच्चे तो चाय कॉफी पीते नहीं हैं, सिर्फ मेरी इच्छा होती है जब जब मैं बनवा लेता हूँ। मैं भी चाय का बहुत शौकीन था, बट गर्मी आ गई है तो थोड़ा सा इस समय स्कूल से जाना पड़ता है, कौन सा बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। रोड में मैंने पिछली बार वीडियो में दिखाई दिया था कि रोड में बहुत सारा मोरम पड़ा हुआ है, तो आदमी पैदल ही जा सकता है, गाड़ी से तो जा नहीं सकता। कॉफी में इतना टाइम लगता है यार। ये देखिए कॉफी डाली जा रही है, ये कॉफी कौन सी है, नेस्कैफे की कॉफी है जो कि अब डाल दी गई है उस पर। अच्छी है, तो बोलेगा आ बंदे मुझे पी दे। तो दोस्तों तब तक कॉफी बन रही है, तो आइए छत पे घूम के आते हैं। ये कॉफी बस बन रही है और पीने के लिए रेडी हो जाओ। कॉफी में भी चाय जितना टाइम लगता है क्या? दूध पका रही हूँ, दूध में पानी डाल दिया। अच्छा, मतलब दूध में पानी मिक्स कर दो, फिर दूध ही दूध के बिना जल्दी बन जाती है। हाँ वही है, वही समझ में आया। आज दूध कम तो फिर पानी पानी लगेगा। दूध वाला कम देगा क्या? दूध वाला कम नहीं देगा, कल बोल भी दिया हो तो भैया इस समय दूध पतला ही आता है। हाँ, पतला दूध ही बस। चलो कम से कम दूध वाले ये तो नहीं बोलते कि भैया भैंस ही तो हरा चारा खाती, दूध सफेद काहे देती है। शुक्र है लोग ये नहीं बोलते। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।